नमस्कार आप सभी को। निफ्टी सुपर स्ट्रैटेजी के टेस्टिंग 3 में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हम लोग ये स्ट्रैटेजी शनिवार को हम लोग सीखे थे कि कैसे ये स्ट्रैटेजी मार्केट में यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग नए हैं, नए ये वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को यही गुजारिश करूँगा मैं कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे पहला लिंक स्ट्रैटेजी का है वो एक बार आप देख लीजिए, तब आपको अच्छे से ये स्ट्रैटेजी टेस्टिंग आपको समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि 90 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ है या फिर 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ है इस स्ट्रैटेजी में। तो वही हम देख लेंगे आज चार्ट में जाके कि कैसे करके प्लॉट करना था और प्लॉट करने के बाद हम लोग को कब पोजीशन लेना था और कब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था, वो हम लोग मतलब ब्रीफली हम लोग देखेंगे चार्ट में जाके। चार्ट में जाने का पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग प्लीज़, आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ आप लोग लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, पर एक चीज़ कर दीजिए, ये स्ट्रैटेजी को टेस्टिंग जो भी है ये स्ट्रैटेजी टेस्टिंग प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ, मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जितना कोशिश करता हूँ कि ईजी से ईजी स्ट्रैटेजी लेके आऊँ, ताकि ईजी स्ट्रैटेजी आप लोगों को सबसे पहले समझ में आएगा, उसके बाद आप लोग ईजी स्ट्रैटेजी से भी पैसा अर्न होता है। ये हम लोग बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी में देख लिए हैं, बैंक निफ्टी में आज भी देखे हैं कि बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रहा है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए जितना जितना मतलब स्प्रेड करने का उतना स्प्रेड कीजिए, ताकि क्या होता ना, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो दूसरे के कॉल्स पे ट्रेड लेते हैं और वो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत बड़े बड़े लॉस करते हैं, बहुत कोई कोई ऐसा है कि अपना कैपिटल ही ख़त्म कर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से छोटा सा गुजारिश है, प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो, इस मिशन आत्मनिर्भर से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बोलिए, कमेंट के माध्यम से हम लोग को ये समझ में आएगा कि आप लोगों को दूसरा स्ट्रैटेजी किसके ऊपर लेके आ सकता हूँ। जैसे सोचिए, कोई आप लोग फिबोनाची के ऊपर में काम करते हैं, कोई आप लोग क्रॉसओवर्स के ऊपर काम करते हैं, तो हम लोग को बोलिए कि ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आइए, तो हम लोग वो वीडियो देखेंगे, हम लोग वो स्ट्रैटेजी देखेंगे, उसके ऊपर हम लोग वीडियो लेके आएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो वीडियो मतलब वो स्ट्रैटेजी कहाँ पे, उसका कहाँ लूप होल्स वगैरह कहाँ पे है। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो स्ट्रैटेजी को अच्छा से। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले चार्ट में जाते हैं और देखते आज के दिन कैसे प्लॉट करना था और आज के दिन कितना पॉइंट निफ्टी दिया और कैसे हम लोग को प्रॉफिट बुक करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं निफ्टी के स्पॉट चार्ट में, अच्छे से सुनिए, निफ्टी के स्पॉट, आपको ये स्ट्रैटेजी निफ्टी के फ्यूचर्स में आपको नहीं लेके जाना है, निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में नहीं जाना है, निफ्टी के स्पॉट चार्ट में आना। ठीक है, मार्केट कहाँ खुला, कहीं ना कहीं ये कैंडल में खुला, तो क्या करना है, 915, 920, 925, इस तीनों कैंडल का हाई कौन सा है, कहीं ना कहीं ये हाई है। हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे, अच्छा उसके बाद ये तीनों कैंडल का लो कौन सा है, कहीं ना कहीं ये है, तो इसके नीचे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे। अब देखेंगे क्या चौथा कैंडल नीचे ब्रेकआउट मतलब नीचे क्लोजिंग दिया या ऊपर क्लोजिंग दिया। अगर ऊपर क्लोजिंग देने से हम लोग क्या लेते हैं, कॉल ऑप्शन, अगर नीचे क्लोजिंग देने से हम लोग क्या लेंगे, पुट ऑप्शन। यस, अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को बोल दें, कोई ना कोई ये वीडियो में आके ये लिखेगा कि सर आपका स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं था, ये नहीं था, अच्छा से सुनिए, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट होते, जैसे आज देखेंगे कहीं ना कहीं एक मतलब 915 का एक बिग कैंडल था, उसके बाद एक बिग कैंडल था, उसके बाद लास्ट कैंडल जो 925 का बन के ख़त्म हुआ, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कैंडल था। तो मैं आपको ये बोल दिया हूँ कि जब भी ऐसा फॉर्मेशन होगा मार्केट में, ठीक है, देखिए मार्केट इतना इजी नहीं है, पैसा बनाना इतना इजी नहीं है, आपको प्रॉपर सब कुछ मतलब एक एजम्पशन का भी एजम्पशन होता है मार्केट में, तो आपको आज मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ऐसे मार्केट में आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेकेंड और थर्ड कैंडल का हाई कौन सा है, सेकेंड और थर्ड कैंडल का हाई कौन सा है, सेकेंड कैंडल का हाई होगा। अब यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे, ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये जो 930 का कैंडल है, वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया नीचे, तो जब 930 का क्लोजिंग देने जा रहा है 20 सेकेंड के अंदर, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर आपको पोजीशन लेना है उस कैंडल में,
मतलब 5 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जा रहा है कि ये क्लोजिंग बिलो ही देगा, ठीक है, आपको वहां पे पंच करना है और देखेंगे अगर जो भी, चलिए अगर आप पंच नहीं किए, ये कैंडल को बनने दिए, सेकंड कैंडल में आपको पोजीशन ले लेना था, तो हम लोग देखेंगे सेकंड कैंडल अगर आप पोजीशन लेते तो सबसे पहले आपको स्पॉट चार्ट 39.50 का लो दिखाया, ठीक है, 39.50 पॉइंट का लो दिखाया, देन आफ्टरवर्ड अगेन ऊपर गया, पर क्या हम लोग का स्टॉप लॉस खाया? नहीं, हम लोग का स्टॉप लॉस नहीं लिया, अगेन वो डाउन किया और हम लोग को टोटल डे में कितना पॉइंट दिया, 80.25 विच इज 80 पॉइंट दिया। अब हम लोग आपको पहले ही क्या बोले थे निफ्टी के चार्ट पे, मतलब निफ्टी के स्ट्रैटेजी पे, सबसे पहले सोचिए आपके पास 10 लॉट है तो हाफ लॉट 5 लॉट आपको कितना में बुक करना है, 35-40 एट एनी कॉस्ट, 35-40 के बीच में आपको क्लोज कर देना है। 35-40 बोलेंगे तो सब 40 ही सोचेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि 35 बोले तो चलिए 36-37 में बुक कर लें, तो कोशिश कीजिएगा 35-40 के बीच में आप बुक करना है पहले 5 लॉट, ठीक है, फिर 5 लॉट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आगे बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। तो आज देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ से समथिंग 25 पॉइंट मिल रहा था, देन आफ्टरवर्ड फिर ऊपर गया मार्केट, स्टॉप लॉस नहीं खाया, देन आफ्टरवर्ड नीचे आके कहीं ना कहीं 5 लॉट, अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते तो 5 लॉट में आपको अच्छा खासा 35-40 पॉइंट का प्रॉफिट होता, देन आफ्टरवर्ड आपका 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, ऑप्शन में, एट द मनी ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको ट्रेड लेना है, फिलहाल ये वीक पूरा टेस्टिंग चल रहा है तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए, चाहे कितना भी अच्छा मार्केट हो जाए आप लोगों को एक्चुअल ट्रेड नहीं लेना है। ये टेस्टिंग खत्म होगा फ्राइडे को जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आएगा, हम लोग एनालिसिस रिपोर्ट आएगा, देन आफ्टरवर्ड आपके पॉकेट साइज के हिसाब से आप लोग मार्केट में ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये मुहिम जो मिशन आत्मनिर्भर है, जो हम लोग स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके आ रहे हैं, आपके सामने टेस्टिंग कर रहे हैं, पूरे यूट्यूब में सब आपको स्ट्रैटेजी बता देंगे, स्ट्रैटेजी में कोई टेस्ट नहीं करता है, ये आप यूट्यूब में खोज लीजिए आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग पहले आपको स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी को सेम मार्केट में हम लोग टेस्ट करेंगे 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 5 दिन, अगर इन बिटवीन कभी हॉलीडे होगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। 5 दिन का टेस्टिंग के बाद ही एक जस्टिफिकेशन रिपोर्ट आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि सर स्टॉक्स में भी लेके आइए, आने वाला वीडियो, आने वाला जितना भी वीडियो है वो एक से बढ़कर एक वीडियो है, आप लोग इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा रुकिए, सिर्फ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोगों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ जो भी सज्जन आज के इस मार्केट में या फिर बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद लॉस करते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज मिले, कुछ समझ में आए ये स्ट्रैटेजी, जितना भी प्लेलिस्ट का भी मैं ये दे दूंगा लिंक नीचे, तो वो पूरा प्लेलिस्ट देखने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा अपना लॉस को बचा पाए। तो प्लीज़ आप भी बेनिफिट लिए इसका और सबको इसको बेनिफिट लेने दें। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को, इस मुहिम को बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को यही सक्सेस है कि आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो यही हम लोग के लिए एक सक्सेस पॉइंट है। तो आप लोगों को अगर ये मिशन आत्मनिर्भर अच्छा लग रहा है तो छोटा सा एक लाइक दे दीजिए, कमेंट के माध्यम से प्लीज़ हमें बताइए कि कौन सा स्ट्रैटेजी में वीडियो लाना चाहिए, तब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बकेट में हम लोग का ऐसे ही बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, आपका स्ट्रैटेजी भी अभी पाइपलाइन में लगा देंगे तो कहीं ना कहीं वो भी एक रिकॉर्ड बन के हम लोग के पास आ जाएगा। और आने वाले फ्यूचर्स में एलिस ब्लू बहुत अच्छा एक मुहिम लेके आने वाला है, तो आप लोगों को एकदम सोचने का दरकार नहीं है, बहुत अच्छा एक आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों सभी से, ठीक है। तो चलिए शुक्रिया, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, कल फिर टेस्टिंग 4 में हम लोग मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहिए, ध्यान से ट्रेड कीजिए, ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all the related documents carefully before investing.